स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर फिश एंड फ्रॉग. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लिविंग थिंग. वर्टिब्रेट, वेयर डू फिश लिव, वेयर डू फ्रॉग लिव, एंड अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट फिश. लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग. सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. वो जानदार चीज़ें जो नशोनुमा पाती हैं, बढ़ती हैं और किसी बेबी को प्रोड्यूस कर सकती हैं, अपना यंग वन प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को हवा, पानी और गिजा की ज़रूरत होती है. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन है. बैकबोन क्या होती है? अगर आप अपनी बैक पे टच करें तो आपको एक बोन फील होगी. ये बोन क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी. सो वो एनिमल्स जिनके पास ये बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स हैं. तो स्टूडेंट्स, आप क्या हुए? जी, आप भी वर्टिब्रेट हैं. बोथ फिश एंड फ्रॉग हैव बैकबोन्स. फिश और फ्रॉग दोनों के पास क्या है? बैकबोन है. दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट. ये एनिमल के ग्रुप वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं, मतलब ये दोनों ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. अगर स्टूडेंट्स आप नीचे दी हुई दोनों पिक्चर्स देखें तो एक पिक्चर में फ्रॉग का स्केलेटन है और सेकेंड पिक्चर में आपको फिश का स्केलेटन दिख रहा है. इन दोनों के पास क्या है? बैकबोन है, इसीलिए ये दोनों ही एनिमल के ग्रुप वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं. वेयर डू फिश लिव, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? फिश लिव इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं. दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर और इन सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर हम बेसिकली मीठे पानी को कहते हैं. हमारा फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में, जबकि सॉल्ट वाटर सीज और ओशंस में पाया जाता है. स्टूडेंट्स, अगर आप पिक्चर्स देखें तो एक साइड पे आपको सॉल्ट वाटर फिशेस शो की गई हैं एंड सेकंड साइड पे आपको फ्रेश वाटर फिशेस शो की गई हैं. Where do frogs live? Frogs कहाँ रहते हैं? Frogs are amphibians. Frogs amphibians हैं. Why? They live on land and in water. क्योंकि वो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं. So वो organisms जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, हम उन organisms या उन animals को amphibians कहते हैं. Tadpoles are the young of frogs. Tadpoles हम frog के babies या उनके young ones को कहते हैं. Adult frogs live on land but they lay eggs and seek protection from danger in water. Adult frogs ज़मीन पर रहते हैं. Students, अगर आप first picture देखें तो वो desert frog की है. अगर आप second picture देखें तो वो pond frog की है. अगर आप third picture देखें तो वो tree frog की है. अगर आप फोर्थ पिक्चर देखें तो वो स्वैम्प फ्रॉग है. नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फिश के बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश की बॉडी कैसी होती है या फ़िश के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं. स्टूडेंट, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ फिश. नाउ ऑब्जर्व अ फिश. नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी अ फिन, यू कैन सी अ टेल, gills cover and the scales. The bodies of most fish are covered with scales. ज़्यादातर fishes की body scales से cover होती है. They have gills to breathe.
इनके पास गिल्स हैं ताकि ये सांस ले सकें, जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास लंग्स हैं ताकि हम ज़मीन पर सांस ले सकें। इसी तरीके से इनके पास गिल्स हैं ताकि ये पानी में आराम से रह सकें, सांस ले सकें, पानी में सर्वाइव कर पाएँ। इनकी ये गिल्स कवर के नीचे होते हैं, इट मींस गिल्स कवर ने इनके गिल्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, एक कवर प्रोवाइड किया हुआ है। द फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, फिन्स और टेल्स इनको हेल्प करते हैं ताकि ये वाटर में स्विम कर सकें। स्ट्रीम लाइंड बॉडी, मोस्ट फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज। स्ट्रीमलाइंड बॉडी हैज़ अ वेल राउंडेड फ्रंट विद द बॉडी स्लोली कर्विंग टू अ नैरो एंड। ज़्यादातर फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। अब ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होती है स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर को गौर से देखिए तो आप देख सकते हैं इस फिश का फ्रंट वेल राउंड अच्छी तरीके से मुड़ा हुआ है, लेकिन ये राउंड जब आगे आता है तो इसकी बॉडी कर्व शेप में होने लग गई है। अगर आप इसे सेंटर से देखें तो इसकी बॉडी कर्व शेप में है और ब्रॉड है सेंटर से, लेकिन ये कर्व आगे जाकर मतलब एंड पॉइंट पे आकर फिश की बॉडी के नैरो हो जाता है, तंग या पतला हो जाता है। सो स्टूडेंट, स्ट्रीमलाइन बॉडी वो बॉडी है जो फिशेस को हेल्प करती है ताकि ये वाटर में ईजली, स्मूथली, फास्टली मूव कर सकें। नाउ स्टूडेंट, वी विल रिवाइज आर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी। अब हम अपना सारा लेक्चर इस समरी की मदद से रिवाइज करेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर सकते हैं और अपना बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन। वर्टिब्रेट वो एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन है। फिश लिव इन वाटर, फिशेस पानी में रहती हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या सॉल्ट वाटर हो। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, फ्रॉग एम्फीबियंस हैं। व्हाई? बिकॉज दे लिव अ डबल लाइफ, वो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। टैडपोल्स आर द यंग ऑफ फ्रॉग्स, टैडपोल्स फ्रॉग के बेबीज या उनके यंग वंस को कहते हैं। फिश हैव गिल्स टू ब्रीद, फिशेस के पास गिल्स होते हैं ताकि ये सांस ले सकें। द बॉडीज ऑफ फिश कवर्ड विद स्केल्स, फिशेस की बॉडी स्केल्स से कवर होती है। फिशेस हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, फिशेस के पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी है।